नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल हेल्थ केयर पर एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं कि जब भी मैं अपने चैनल पे आता हूँ, कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आता हूँ, नई जानकारियां लेके आता हूँ जो आपके हेल्थ और मेरे हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां होती है। उसमें कभी मैं मेडिसिन का चर्चा करता हूँ तो कभी मैं फ्रूट्स मटेरियल्स और मिल्स की चर्चा करता हूँ। कुछ समय मैं न्यू इक्विपमेंट की चर्चा करता हूँ जिसका उपयोग आपके हेल्थ में लिया जाता है, हेल्थ बेनिफिट के कार्यों में लिया जाता है। तो आज मैं उसी सीरीज में एक ऐसे मेडिसिन को लेके आया हूँ, ऐसे मेडिसिन के संबंधित आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, ऐसे क्रीम से संबंधित मैं बातें लेके आया हूँ जो आपके फंगल इन्फेक्शन में जनरली यूज किए जाते हैं। और अगर मैं इस क्रीम को फंगल इन्फेक्शन का मास्टर क्रीम कहूँ तो कहना बिल्कुल ही उचित होगा इस क्रीम के लिए। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि ये क्रीम कौन सा है और किस प्रकार से दिखता है। देखिए, इस वक्त जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा ये क्रीम, यही क्रीम है जिसे मैं मास्टर क्रीम का नाम देने जा रहा हूं। ये मास्टर क्रीम का नाम क्या है? लोलीफॉर्ड। लोलीफॉर्ड के नाम से ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है। जो इस वक्त आपको दिख रहा है ये लोलीफॉर्ड क्रीम, ये मेरे हाथों में ये 30 ग्राम का पैक है, जिसकी अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं या प्रिंट प्राइस की बात करूं तो इसकी प्रिंट प्राइस कुछ हाई है, 300 रुपीज, 300 रुपया पड़ता है इसकी प्रिंट प्राइस, जो कि थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। लेकिन अगर मैं कंपेरिजन करूं इस क्रीम का कि क्या उपयोग है और इसमें इसके उपयोग के और इसकी गुण के मामले में अगर मैं चर्चा करूं तो ये प्राइस बहुत ही छोटा पड़ जाता है, क्योंकि ये फंगल द्वारा फैलाया गया मल्टीपल टाइप डिजीज में मल्टीपल यूज लिया जा सकता है। तो किन किन चीजों में इसका उपयोग कर सकते हैं, किन किन फंगल इन्फेक्शन में इसका उपयोग कर सकते हैं, आज मैं उसी संबंधित आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि ये क्या है, किन किन फंगल इन्फेक्शन में, किस टाइप के फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है। तो सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार की जानकारियां लेकिन मैं रेगुलर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता हूं, जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। तो आज मैं बताता हूं कि मैंने इससे पहले कई वीडियो मैंने फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कर चुके हैं जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें आपको बताए थे कि पिंपल्स टाइप होता है, उसमें पानी भरा होता है, उसके लिए कौन सा पाउडर का इस्तेमाल किया जाए, कौन सा क्रीम का इस्तेमाल किया जाए, या फिर लाल चकेता धब्बा उग जाता है आपके शरीर पर या आपके बच्चों के शरीर पर तो उसमें कौन सा क्रीम और पाउडर का इस्तेमाल किया जाए। मैंने सारी जानकारियां दे रखी है अपने वीडियो में, तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, मेरे वीडियो को देखें और उसका फायदा उठाएं। तो आज मैं जिस संबंधित आपसे बातें करने जा रहा हूं, ये क्रीम जो आप लोलीफॉर्ड देखे हैं इस वक्त, ये लोलीफॉर्ड क्रीम जो मेरे हाथ में आपने देखे, इसका क्या उपयोग है और किस प्रकार से उपयोग है और क्या फायदा इससे मिलता है और क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, सारी जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो मैं सर्वप्रथम बता दूं कि ये लोलीफॉर्ड क्रीम का कंपोजिशंस क्या है। लुलीकोनाजोल कंपोजिशंस का, लुलीकोनाजोल ये जो है लुलीकोनाजोल इसका कंपोजिशंस है इस क्रीम का, जो लोलीफॉर्ड क्रीम है उसका। और ये लुलीकोनाजोल बहुत ही बेहतरीन काम करता है आपको जब आपके हाथों में कोई फंगल इन्फेक्शन या आपके नाखून में कोई फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। कभी कभी देखते हैं कि आपके नाखून में जब फंगल इन्फेक्शन लग जाता है तो आपके नाखून के बीच या नाखून के कॉर्नर में काला धब्बा दिखते रहता है। उस काले धब्बे को खत्म करने के लिए उस नाखून, वो धीरे धीरे जो है फंगल इन्फेक्शन का एक ऐसा गुण है जो धीरे धीरे फैल जाता है। हो सकता है फंगल इन्फेक्शन में आपको जो है सो नोचने जैसा भी ये लगे कि ये नोचनी भी जो है सो फंगल इन्फेक्शन का ही टाइप है, लेकिन कुछ होता है जो नोचता भी नहीं है और ये काला धब्बा जो है नाखून के अंतर्गत किसी कॉर्नर में होता है, देखते ही देखते कुछ ही समय में ये जो है सो पूरे हाथ में छा जाता है और ये ट्रांसफर होता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होता है ये डिजीज। तो इसे बचने के लिए एक अच्छा क्रीम मार्केट में जो कि आपको लोलीफॉर्ड के नाम से मार्केट में इजिली अवेलेबल है, ये 30 ग्राम का, इसका छोटा पैक भी आता है, आप छोटा पैक भी ले सकते हैं, 30 ग्राम का क्रीम है जो कि इसे रोकने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। इसके साथ ही आपके हाथों में
देखते हैं पिंपल्स टाइप निकल जाता है जब पानी उसमें भरा होता है। तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और वीडियो बना चुके हैं कि किस पाउडर का इस्तेमाल करें जो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन जब उसमें पानी नहीं होता है, पिंपल्स टाइप निकलता है और उसमें जैसे लगता है कि ये कठोर है, सेल की तरह लगता है। जब एक सेल ग्रो कर जाता है और वो देखने में बिल्कुल विचित्र आपके हाथों में लगने लगता है और आपके हाथ को दिन प्रतिदिन खराब करने का काम करता है, उसे वो जो है सो आपके हाथ में फैलने का काम करता है और एक हाथ से दूसरे हाथ और दूसरे हाथ से पूरे बॉडी में फैलने का काम करता है, उसको रोकने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर ये जो है ये क्रीम लोलीफोर्ड क्रीम जो है लुलकोनाजोल्स कंपोजिशंस का बहुत ही कारगर क्रीम है और यूज्ड क्रीम है। मैं बता दूं कि इसका उपयोग मैंने देखा है अपनी नजरों से और बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत ही कारगर है आज के डेट में। ये ढेर सारा डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है फंगल इन्फेक्शन के लिए, स्किन डिजीज के लिए। जब आपके स्किन में डिजीज आ जाता है जो कि फंगस के द्वारा लगाया जाता है तो उसे हम फंगल डिजीज बोलते हैं। उसे सॉर्ट आउट करने के लिए ये क्रीम, ये लुलकोनाजोल्स कंपोजिशन का क्रीम बहुत ही कारगर माना जाता है आज के डेट में। तो ये कई टाइप के फंगल इन्फेक्शन में यूज में आता है। तो मैं बात करूं तो आपके कभी कभी जांघ में, जांघ के बीच में दोनों तरफ जो है जंघांग में बोलते हैं उसको, कि आपके काला धब्बा निकल जाता है जो कि कई क्रीम आप यूज कर चुके होते हैं और ये आपको काम नहीं करता है। वो जो है सो आपको धब्बा जो है दोनों साइड जो जांग के बीच में होता है ये जो है सो जाने का कार्य नहीं करता है, वो कोई क्रीम उस पर यूज नहीं हो पाता, यूज करने के बाद उसका कोई फायदा नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में आप एक बार जरूर इस क्रीम का उपयोग करें, ये लोलीफोर्ड क्रीम का एक बार आप जरूर इस्तेमाल करें और ये आपको शायद बहुत ही फायदा पहुंचा सकता है। इसके साथ में मैंने बताया अभी कि आपके नाखून के बीच में जब काला धब्बा आ जाता है या नाखून के कॉर्नर में काला धब्बा आ जाता है जो आपके पूरे हाथ में फैलने का कार्य करता है, उस समय भी इस क्रीम का, लोलीफोर्ड क्रीम का, लुलकोनाजोल कंपोजिशन क्रीम का इस्तेमाल करके आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। मैंने तीसरा टाइप बताया जो आपके हाथ में, ये हाथ में आता क्यों है ये फंगल इन्फेक्शन। तो जनरली जो आदमी जो किचन में काम करती है, मुख्य रूप से लेडीजों में ये ज्यादा पाया जाता है। जब लेडीज किचन में काम करती है और पानी से जुड़ा हुआ काम करती है बराबर, तो उस पानी के वजह से आपके हाथ में कुछ सूजन हो जाता है, सूजन टाइप का निकल जाता है और ये पिंपल्स टाइप निकल जाता है, फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। उसे सॉर्ट आउट करने के लिए ये क्रीम बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा क्रीम माना जाता है, क्योंकि उस पिंपल टाइप धीरे धीरे बढ़ने लगता है आपके हाथ में और आपके हाथ का जो है सो जो स्मार्टनेस है उसको खत्म करने लगता है और उसमें जो है सो आपको बढ़ने का कार्य करता है, पूरे शरीर में फैलने का कार्य करता है। उसको रोकने के लिए ये क्रीम जो है लुलकोनाफोर्ट जो है बहुत ही कारगर, और लुलकोनाजोल्स कंपोजिशन का क्रीम लोलीफोर्ट बहुत ही कारगर क्रीम है जो इस वक्त मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा। तो मैं बता दूं कि ये जो है सो आपके वो उंगली में होने वाले इन्फेक्शंस, आपके हाथ में फैलने वाले इन्फेक्शंस, जो फंगल इन्फेक्शंस होता है, जो स्किन डिजीज होता है, उसको खत्म करने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। इसके साथ ही मैंने बताया कि आपके जांग के बीचों में जो डिजीज आ जाता है, उसे जंगांग में जो बोलते हैं उसको, उसको भी खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर माना जाता है। इस प्रकार से इसका हम कहीं उपयोग ले सकते हैं, आपके शरीर के किसी भी पार्ट में अगर हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये एक्सटर्नल पार्ट के लिए है और एक्सटर्नल ही इसका यूज करें, इंटरनल न यूज करें। इसके साथ में अगर आप ये क्रीम का उपयोग किसी डॉक्टर, नियरेस्ट डॉक्टर के सजेशन से लेते हैं, तो अभी आपने जाना कि लोलीफोर्ड क्रीम्स का उपयोग क्या है। तो मैं उसी संबंधित आज आपसे बातें करूंगा कि लोलीफोर्ड क्रीम जो है सो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। अभी तक मैंने इसका उपयोग देखा और बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है हम लोगों के लिए, तो इसका साइड इफेक्ट भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है। बहुत सारे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो साइड इफेक्ट के तौर पे हम जब देखते हैं, जब आप किसी स्थान पे हुए है जो फंगल इन्फेक्शन लगा हुआ है आपके स्किन पे, उस स्थान पे इस क्रीम का 2 से 3 टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रख रखाव के लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर पर आप अपने रूम में रख सकते हैं जो कि 20 to 30 degrees अप्रोक्स टेम्परेचर से होता है, उस पर ये आराम से रख सकते हैं, इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ इसका साइड इफेक्ट, जिस स्थान पे आपका फंगल इन्फेक्शन है उस पे लगाते हैं और वो फंगल इन्फेक्शन पे लगाते ही जब वो बहुत दर्द करने लगे, बहुत जलन पैदा करने लगे, तो समझ जाइए कि ये क्रीम आपके लिए सूट नहीं कर रहा है और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें, इसके बाद ही इस क्रीम का इस्तेमाल करें या कोई और क्रीम जो सजेस्ट करते हैं आपके नियरेस्ट डॉक्टर में वो जो है आप उसको रेगुलर करें।
तो यही इसका साइड इफेक्ट है मुख्य रूप से कि स्किन में जलन पैदा करना और जहां चकेता धब्बा नहीं दिख रहा है वहां रेडनेस अचानक हो जाना कुछ क्षणों के लिए, तो ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके। तो इसका ध्यान रखें और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह लेकर के ही कोई दवा चलाएं तो आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। फिर भी ये क्रीम बहुत ही कारगर है आपके ढेर सारा फंगल इन्फेक्शन टाइप जो आपके स्किन में, कई क्रीम यूज कर रहे हैं और आपका अभी तक अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है तो एक बार आप इसका इस्तेमाल जरूर करें और बेहतर रिजल्ट पाएंगे। आई होप कि आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।